गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 11, प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर. तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन. अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, द वर्ड आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिप्लेस द नाउन्स दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स. ये जितने भी हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. नाउ सी एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउंस इन दिस कॉन्वर्जेशन. मिस अनुपमा, टूडे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट. तो यहाँ पे देखो बेटा, टुडे आई इज प्रोनाउन, वुड लाइक टू टेल यू, यू इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, अबाउट पीपल हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. चिल्ड्रन, डिड यू नो. अब यहाँ पे चिल्ड्रन, डिड यू नो, यहाँ पे यू जो है वो किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए आया है. ओके, यू नो दैट द मैन मेड पेंटिंग्स मच मोर, ही स्टार्टेड मेकिंग हाउसेस. यहाँ पे ही जो है वो भी प्रोनाउन है. नाउ स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? मिस, दैट इज एस्ट्रोनॉशिंग, प्लीज टेल अस, प्लीज हमें बताओ. यहाँ पे अस जो है वो प्रोनाउन है. मोर अबाउट दैम, उनके बारे में. किन के बारे में? पेंटिंग्स के बारे में. ओके, तो दैम जो है, हियर दैम इज ऑल्सो प्रोनाउन. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द प्रोनाउन. Now exercise B, take the correct personal pronoun in each sentence, then underline the nouns they refer to. यहाँ पे देखिए, the cat has hurt its paw. अब again it और you, तो यहाँ पे क्या आएगा? cat जो है वो noun है, और noun के लिए, animals के लिए हम which pronoun? We use it. It cannot work properly. Nikita and Sheila are good students. तो यहाँ निकिता और शीला, दे आर प्रोनाउन, दे आर नाउन. एंड निकिता और शीला जो है मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? दे. दे विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. थैंक यू.